नमस्कार, सच कहूं पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नजर पौने देश दुनिया की टॉप 10 खबरों ते। गुजरात में बिपरजोय ने मचाही तबाही, दो लोगों की मौत, 20 लोग जख्मी, 940 पिंडों तक बिजली गुल, हुण तक 94,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जा चुका शिफ्ट। बाढ़ और रास्ते बंद होने के नाल 4600 ग्रामीण इलाकों का टुटा संपर्क, बचाव कार्य में जुटियां NDRF की टीमें। मणिपुर में भीड़ ने विदेश राज्य मंत्री का फोका कर 50 लोगों ने पेट्रोल बम नाल किया हमला, 20 दिनों में 4 मंत्रियों विधायकों के घर लगाई अग। दस दी कि मणिपुर में 3 मई तो कुकी और मैतई समुदाय के आरक्षण लेके जा रही है जातीय हिंसा, हुण तक 100 तो ज्यादा लोगों की इस घटना में हो चुकी है मौत। गुजरात के बाद राजस्थान में भी मंडराने लगा बिपरजोय तूफान का खतरा, बाड़मेर जालौर में भारी वर्षा का अलर्ट, तेज हवा के साथ कई थावां पर हुई गड़ेमारी और बिजली के खंभे डिगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 17 तो 19 मई तक होएगा एक्टिव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और अतवादियों में भारी मुठभेड़, एनकाउंटर में सेना ने मार डगाए 5 विदेशी आतंकी। कुपवाड़ा सैक्टर में अतवादी कर रही थी घुसपैठ, सेना और पुलिस की कंबाइंड टीम द्वारा चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। बिना लैब टेस्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे कप, सिर्फ केंद्र सरकार ने बदले निजम। गांबिया में 66 लोगों की मौत के बाद लिया वड्डा फैसला, दस दे कि केंद्र के फैसले के बाद हुण कंपनियों को निर्यात तो पहला सरकारी लैब में कप सिर्फ का करवाना होगा टेस्ट। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में पूना तो रतिया जा रही बस से बदमाशा ने किया हमला, 10 तो ज्यादा हथियारबंद नौजवानों ने वारदात को दिया अंजाम, सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। बस के कंडक्टर रजत की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। पंजाब के मोगा में दर्दनाक हादसा, 3 लोगों की मौत, कार ने बाइक नूं मारी टक्कर, 3 मृतक एक ही परिवार के सन, मरण वालों में एक बच्चा भी शामिल, सूचना मिलने पर पुलिस ने शव कब्जे में लेके अगलेरी जांच की शुरू। जिला पटियाला में संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार च बनी सहमति, बीते 8 दिनों तो चल रहा सी मरणवत किसानों ने किया खत्म, किसान आगुआ ने दसिया कि सरकार ने स्वीकार कर ली साडी मंगा, उत्थे हड़ताल खत्म होने ते सरकार ने भी लई राहत दी सां। राजस्थान में 23 जून तो 29 अगस्त तक होंगे ओलंपिक, प्रदेश के 53 लाख लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे 130 करोड़ रुपए, 23 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे उद्घाटन। जयपुर के सीतापुरा में 3 दिन के किसान सम्मेलन का होया शुभारंभ, मुख्यमंत्री गहलोत ने 41,900 किसानों के खाते में पाए 153 करोड़, दस दी कि हर किसान को गां की लंबी स्कीम के मौत से 40,000 रुपये का दिता गया मुआवजा। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इन्ना ही, ज़्यादा खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर टाइप करो सच कहूं पंजाबी चैनल।